आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव मल्लीपुरा महमूदा नंगला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 26 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 8 किलोमीटर है। 1100 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती रेशमा ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान रेशमा और सचिव विवेक कुमार के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। 4 वर्षों में उन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के मलीपुरा महमूदा नगला ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और किस तरह से लॉकडाउन के चलते यहां गरीबों की मदद की गई है या अभी भी क्या समस्याएं हैं, इन सब की जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी, मेरा स्वागत। 4 साल जैसे कि बीत चुके हैं, 4 साल से ज्यादा ही लगभग बीत चुके हैं यहां पर कार्यकाल को, और ग्राम प्रधान यहां आपकी जो है भाभी हैं, शायद आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। जी मैम, मैं प्रधान। तो आप, हम ये जानकारी जानना चाहते हैं कि इन बीते वर्षों में किस तरह का विकास आपने यहां गांव में कराया है। जी देखिए मैम, हमने अपने गांव में रास्ते और सड़कों का विकास कराया है और हमने स्कूलों में जो 4 दीवारी इस तरीके का शौचालय पंच आंगनबाड़ी मतलब स्कूल में काफी सौंदर्यीकरण, हाँ स्कूल में हमने कार्यकलाप के अंदर काफी बहुत ज्यादा मतलब हाँ दूर की है। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत, हाँ ओडीएफ हो चुकी है, लोगों को आवास भी मिले हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह लगवाई है, स्ट्रीट लाइट भी लगवाई मैम हमने अपनी पूरी ग्राम पंचायत में। केंद्र सरकार जैसे जो योजनाएं गरीबों के लिए लागू करती है, जैसे अभी पीछे उज्ज्वला कनेक्शन या बिजली कनेक्शन जो मुफ्त में दिए गए हैं, तो वो आपके गांव में सभी को इनका लाभ मिला है? जी हाँ, हमारे अपने गाँव में उज्ज्वला कनेक्शन का भी लाभ मिला है और जो बिजली की विद्युतीकरण का जो कनेक्शन का काम हुआ है वो भी पूरा और हर जनता को लाभ मिला, लगभग सभी को मिला है। सभी को मिला। जैसे किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा था, तो कई गांव में ज्यादातर लोगों को नहीं भी मिल पाया है, आपके गांव में कितने परसेंट लोगों को इसका लाभ मिला? हमारे गाँव में मैम लगभग मेरे हिसाब से हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 70% लोगों को इस चीज का लाभ मिल पाया। परसेंट लोग जो है किसान सम्मान निधि से वंचित जी। उसका कारण क्या हो सकता है, कुछ कागजी डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत हो या कुछ और? कागजी डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम यह है मैम, हर बंदे ने जैसे शुरू में जब स्कीम आई थी तो हमने अपने यहाँ पर बंदा बिठा दिया। बंदा बिठाने के बाद लोगों से अलाउंस करा दिया गांव की मस्जिद में। अलाउंस कराने के बाद गाँव वालों से हमने आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक खतूनी और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लेके तरफ से आपका जितना प्रोसीजर करना था वो आपने पूरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से रह गया है जी। कहीं जहां भी अगर सिस्टम में कहीं मान लो जैसे कृषि विभाग से या तहसील स्तर से अगर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी तो ऊपरी सिस्टम से है हमारी तरफ से पूरी कोशिश। सभी गाँव वालों के हमने डॉक्यूमेंट अपने हल्का लेखपाल को पहुँचाए। जैसे कि अभी 17 दिन का लॉकडाउन पूरी तरह से रहा है, देश में कमाना खाना लगभग सभी तरह की परेशानियां हर परिवार को यहाँ झेलनी पड़ी है, तो आपकी ग्राम पंचायत में भी कई लोग ऐसे, कई परिवार ऐसे होंगे, उनकी मदद में किस तरह का आपका योगदान रहा? जी मदद मैम हमने अपने स्तर से ही जैसे जैसे कोई राशन पानी में कोई चीज को दिक्कत है या किसी को बेचारे को कोई कुछ पैसों की समस्या है तो अपने स्तर से उसका आपने उनकी मदद की। आप अपने गांव को और ज़्यादा सुंदर और विकसित बनाने के लिए किस तरह की मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सुंदर और सुंदरीकरण बनाने के लिए गांव को मैम अभी कई रास्ते ऐसे हैं हमारे यहाँ जो क्या अभी खराब की स्थिति में है। कितने मीटर सीसी लगभग यहाँ और अभी आपकी जो है लग जाएगी जिससे कि गांव पूरी तरह से पक्का हो जाएगा? 400 मीटर अगर अभी सीसी मिल जाए हमें मैम तो हमारे गांव में 4 सुंदरी के 4 चांद लगे। जैसे कि ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में जो है किसी ना किसी से मदद ली गई है, सांसद विधायक या जिला पंचायत किसी भी तरह से, तो क्या आपने किसी तरह की मदद की है? जी मैम, हमारी जो ग्राम पंचायत का मजरा है महमूदा नगला में, तो जो पिछले कार्यकाल में जो सांसद जी थे सतपाल सिंह सैनी, उनके द्वारा सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ हमारी ग्राम पंचायत में और
PWD के द्वारा भी हमारी यही मंजरे में एक काफी लंबी सड़क का निर्माण कर रहे हैं। जी, यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, जैसे कि पानी वगैरह की निकासी की या और किसी साफ सफाई? जी मैम, सफाई की व्यवस्था तो ऐसी है, हमारे यहाँ पर सफाई कर्मी भी है वैसे जी। उस एक बंदा है सफाई कर्मी ग्राम पंचायत में, जो है एक मजरा है ग्राम पंचायत के सटी, तो दिक्कत को तो सामना है ही है क्योंकि एक बंदे को दो गाँव में मुश्किल होती है। और जल भराव की समस्या मैम हमारे लिए क्या, हमारी पूरी ग्राम पंचायत के लिए खड़ी है जी। क्योंकि तालाब ना होने के कारण ये जो है गांव के किनारों के आबादी के आसपास में यहां पर एक बहुत ही मेन समस्या है, मेन समस्या है तालाब ना होने के कारण, या धनराशि इतनी हो या हो। एक किलोमीटर की लगभग दूरी पर गाँव से तालाब है, अब इतनी बड़ी धनराशि आती नहीं, जो क्या मैम हम इतना बड़ा निर्माण कर रहे हैं उस धनराशि से, ग्राम निधि से हम करा सकते हैं। यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं गांव में? ये पंचायत घर बारात घर नहीं है मैम, आंगनबाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान है इस समय, मगर बना हुआ नहीं है। वो जो है अस्पताल कितने दूर है यहाँ से? अस्पताल तो मैम हमारे यहाँ से जो ब्लॉक अपना पुनर्की है, ब्लॉक के पास में ही है, करीब 8 किलोमीटर की दूरी। मतलब उससे पहले कोई स्वास्थ्य केंद्र या उपस्वास्थ्य केंद्र किसी तरह का आपके आसपास में नहीं है? जी कोई नहीं है। तो काफ़ी परेशानी यहाँ जो है लोगों को, छोटी मोटी बीमारी में काफ़ी परेशानी होती होगी। वो उस परेशानी के लिए मैम प्राइवेट डॉक्टर हैं उन्हीं से यहाँ सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की दवाई वगैरह मिल पाती है। तो कब्रिस्तान, शमशान घाट ये बने हुए हैं? हाँ, कब्रिस्तान भी है मैम, शमशान घाट भी है अपने यहाँ पर। अपने ग्राम वासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी अनलॉक है, लोग जो है कोरोना महामारी अभी फैली हुई है पूरी तरह से, तो इसके लिए अपने गाँव वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? गाँव वासियों से हम तो यही कहेंगे, जो महामारी चल रही है सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, लोग सुरक्षित रहें और अपने घरों में रहें। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इन पिछले बीते सालों में यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, स्कूल में एक सौंदर्यकरण का काफ़ी काम करवाया गया है। लॉकडाउन के चलते लोगों की भी आर्थिक और राशन वितरण से लेकर हर तरह की मदद यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा मिली है। इसके अलावा यहाँ अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो कुछ समस्याएँ भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर जो यहाँ निर्मित नहीं है। इसके अलावा प्रमुख समस्या जो यहाँ सामने आई है वो एक अस्पताल को लेकर है, जो कि 8 किलोमीटर से पहले यहाँ कोई भी स्वास्थ्य केंद्र आसपास नहीं है, जिससे कि मरीजों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि यहाँ जिन जो हम हेल्थ स्ट्रक्चर की बात आज कर रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए सभी ग्राम पंचायतों में, इसके लिए अस्पताल का निर्मित होना बहुत ज़रूरी है। मेरा निवेदन है कि इनकी मांगों को पूरा करें। अशरफ अली के साथ मैं आज रही हूँ।